अटल बिहारी वाजपेयी को भी आपने अपने ज्योतिष से रिलेटेड चीज़ों को बताया था, और जो अभी तात्कालिक परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनसे भी आप जुड़े थे। इस बारे में राजयोग आदि या जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं धन आदि के लिए जो विशेष कारक हैं। राजयोग का जो गणना किया गया है, एक सरल जो लोग जनमानस में की बात बता रहा हूँ, जैसे गज केसरी योग कहते हैं, चंद्रमा से सम सप्तम या केंद्र भाव में या दशम भाव में अष्टम भाव में हो जाए तो उसको गज केसरी का मतलब है कि वाहन आदि से सुशोभित होते हुए मनुष्य जनमानस में प्रसिद्ध होता है, राशि ठाट बाट का उपभोग करता है, तो वो गज केसरी जैसे योग में इस प्रकार का एक प्रकार का वो राजयोग से भी उत्तम योग कहा गया है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अखिल वर्मा का यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको बहुत ही खास एक प्रसिद्ध व्यक्ति से मिलाएंगे जो कि रायपुर के हैं, और अभी जो उनका इंटरव्यू लेंगे, उनका नाम है शुभम भटनागर जी। उनको भेज रहा हूँ मैं फ्रेम में, और आप लोग वीडियो एंजॉय करना, पूरा एंड तक देखना, पूरी जानकारी देंगे आपको उनके बारे में। ज्योतिष एक गहन अध्ययन है, काफ़ी लंबे समय का अनुभव चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए इसे समझने के लिए। और बहुत से लोग अपने ग्रह नक्षत्रों को समझना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं कि वो बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो इस विषय को लेकर के अखिल वर्मा के यूट्यूब चैनल में मैं, उसका मामा शुभम भटनागर, पहुंचा हूं एक विद्वान के पास जो कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, जो कि एक महान राज्य है, वहां पर काफ़ी लंबे समय से अपने ज्योतिष का अनुभव लोगों से शेयर कर रहे हैं और ज्योतिष में पीएचडी भी हैं। तो अच्छा खासा अनुभव है उनका इस क्षेत्र पर। हम उसे चर्चा करते हैं कि ज्योतिष के बारे में और आप कैसे गहराई से चीज़ों को समझ सकते हैं, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने परिजनों के बारे में। आइए मिलते हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त हाँ डॉक्टर संतोष तिवारी जी। सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर संतोष तिवारी, मैं यहाँ पर लगभग ज्योतिष के क्षेत्र में 30 वर्षों से लगातार यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ, और ज्ञान तो मैं अपने दादाजी से पहले प्राप्त किया, उसके बाद मैंने सोचा कि इसको क्यों न गहन अध्ययन किया जाए। इसके लिए मैं संस्कृत महाविद्यालय रायपुर से बीए क्लासिक्स किया और वाराणसी से एमए आचार्य की उपाधि प्राप्त किया। उसके उपरांत मैं बनारस से ही ज्योतिषीय दशा विमर्शा के विषय पर पीएचडी का मैंने पीएचडी में किया। सन 2010 में अवार्ड हुआ, 99 का मेरा रजिस्ट्रेशन था। ऐसे शोध कार्य मेरा 2007 में पूर्ण हो गया था, लेकिन डिग्री मेरे 2010 में कुलपति नहीं होने के कारण 2010 में डिग्री अवार्ड हुआ। मैं अपने दादाजी से जो ज्ञान प्राप्त किया तो मेरा दिली इच्छा था कि परंपरागत मैंने इस ज्ञान को, दादाजी के ज्ञान को बढ़ाया जाए, और एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण अपने सामाजिक रूप से ब्राह्मणों का मूलभूत वेद आदि से संबंधित विषयों का ज्ञान करने का एक परिपाटी रहा है ब्राह्मणों का, तो विद्या को आगे बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ से बीए क्लासिक करके वहाँ से पीएचडी संपूर्णानंद वाराणसी संपूर्णानंद से बनारस से मैंने अपना पीएचडी का कार्य पूर्ण किया। और मेरा एक इच्छा था कि समाज का सेवा करूं, देश का सेवा करूं, और लोगों का मदद करूं, किसी प्रकार से मार्गदर्शन करूं, ये मेरा शुरू से एक ध्येय था। तो मैंने देखा कि एक साइंटिफिक विषय है ज्योतिष शास्त्र, जिसको विस्तृत रूप से, गहन रूप से उसका अध्ययन किया जाए। तो इस अध्ययन के उपरांत मैंने पाया, और उसमें जब से मैंने भविष्यवाणी में अपना चालू किया, और ईश्वरी कृपा कुछ थी, और ईश्वर ने को यही मंजूरी था। मैं पढ़ने को तो गणित आदि कई प्रकार के विषय, हायर मैथमेटिक्स और बहुत सारे विषयों को मैंने अध्ययन किया, लेकिन मेरा मंजिल यही था कि ज्योतिष ही मेरे को बनना था, और ज्योतिषी बनूंगा, ज्योतिषी पढ़ना है, ज्योतिषी पढ़ाना है। इस उद्देश्य को पूर्ण करते हुए 30 साल से लगातार कार्य करता रहा। समाज के लिए मैंने काम किया, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए काम किया, देश स्तर पे मैंने राजनीतिज्ञों के लिए गाइडलाइन करके। डॉक्टर साहब, 30 साल का अनुभव है ज्योतिष विषय को लेकर के। तो इस 30 साल में, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि आपने क्षेत्र के लिए, समाज के लिए और भारतीय राजनीति के लिए विशेष तौर पर आपने योगदान दिए हैं, तो उस योगदान के बारे में बताएंगे। जब हम आपका रिसर्च कर रहे थे, आपके बारे में जब समझने की कोशिश कर रहे थे, पढ़ने की कोशिश कर रहे थे यहाँ आने से पहले, तो हमने सुना था कि आपने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी आपने अपने ज्योतिष से रिलेटेड चीज़ों को बताया था, और जो अभी तात्कालिक परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनसे भी आप जुड़े थे। इस बारे में कुछ बताएंगे और अपने 30 साल के अनुभव
वो कैसा रहा वो बताएंगे। वैसे तो समाज के लिए, विद्यार्थियों के लिए, और यहाँ पर मैंने जनता जो है, जनमानस जो है, उनको अपने दृष्टि से तो गाइड, मैं ज्योतिष का एक विषय पढ़ने के कारण मैं लोगों को गाइडेंस तो करता रहा, लेकिन जब से मैंने इस विषय में सन 90 से इस क्षेत्र में मैं लगा था, और 92, 93, 94, 96 में मैंने बीए का क्लासिक से यहाँ से संस्कृत महाविद्यालय रायपुर से किया, और जो मेरी इच्छा थी, जो इसको मैं इसको पूरा करना था, उसके लिए एमए भी मैं किया वाराणसी से, जैसे कि आपको बताया संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी से, और वहीं से मैंने पीएचडी भी किया। अब उसके बाद यहाँ पर जैसे मेरा ये कहना है कि ये तो सामाजिक स्तर पर कार्य करता रहा, कई विद्यार्थियों को बच्चा पढ़ता नहीं है ऐसे करके माँ बाप लाते थे और लाते हैं आज भी, तो वो बच्चे विदेश तक के चले गए, इंटरनेशनल लेवल में वो इंजीनियरिंग हो गए, कोई डॉक्टर हो गए, कोई किसी प्रकार से विभिन्न विभिन्न आयामों में, विभिन्न विभिन्न विषयों में, बड़े बड़े व्यापारी मैंने तैयार किया यहाँ पर, जो जीरो थे वो हीरो हो गए, बड़े बड़े व्यापारियों को गाइडेंस किया यहाँ पर, कई ख्याति प्राप्त व्यापारी हैं जिसको जिस समय में जैसा उनको कहा वैसा उनके साथ हुआ गुजरा। तो इसको सब करते करते एक समय की बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य कब बनेगा, एक चर्चा था जिसमें गीता प्रिंटिंग प्रेस वाले एक सत्यनारायण अग्रवाल जी हैं, तो उनके प्रेस में मैं एक दिन बैठा था, तो वहाँ उदय भान चौहान करके राष्ट्रीय संयोजक जो छत्तीसगढ़ महतारी मंच के थे, और तो उन्होंने कहा कि उनको निमंत्रण दे रहे थे गीता प्रिंटिंग प्रेस वाले को, तो उन्होंने पूछा कि आपका परिचय, तो बोले कि भाई ये पीएचडी हैं, मेरे को क्या निमंत्रण करते हैं, पंडित जी को निमंत्रण दीजिए, यही आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य कब बनेगा, हम वहाँ जा क्या करेंगे। तो मैं बोला भाई आप जैसे व्यापारी उद्योगपति लोग जाएंगे तो सभा सुशोभित होगा, हम जा क्या करेंगे, तो बोले यही तो भविष्यवाणी करोगे पंडित जी, आप ही तो बताओगे कि छत्तीसगढ़ राज्य कब बनेगा जी। तो उदय भान चौहान ने कहा ठीक है, आपका नाम नवभारत में छपवाते हैं, वहाँ विद्या भैया जी भी उपस्थित रहेंगे, और उन्हीं के बीच में आपको बताना है, अध्ययन करके आइए कि कब बनेगा। तो अध्ययन उद्ययन किया मैं रात में, और एक पंचांगी ग्रह के हिसाब से विश्व जग लग्न चक्र के अनुसार, तो विश्व जग लग्न चक्र के अनुसार जब वहाँ पर मैं अध्ययन करके गया तो देखा कि छत्तीसगढ़ राज्य निश्चित तौर पर बनेगा, क्योंकि उस समय जग लग्न मिथुन लग्न चल रहा था, और लग्न का जो अधिपति था बृहस्पति के साथ केंद्र भाव में विराजमान था, तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि जब जग लग्न का अधिपति ही केंद्र भाव में बृहस्पति के साथ विराजमान है तो छत्तीसगढ़ हरियाली का कारक है, और मिथुन लग्न हरियाली का कारक होता है, मिथुन राशि हरियाली कारक होता है। तो मैंने पाया कि यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ राज्य हरियाली कारक है, धान का कटोरा कहलाता है, और फिर बृहस्पति वहाँ विराजमान है राज्य भाव में, तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य बन जाएगा, और जब भी बनेगा तो कांग्रेस का मिला जुला सरकार बनेगा, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य ही नहीं वरन यहाँ का खनिज आदि देशाटन आदि कार्य बढ़ेगा, और धान का जो कटोरा हरियाली कहलाता है ये निश्चित तौर पे केंद्र में बृहस्पति के साथ बुद्ध विराजमान है, वो राज्य बनेगा ही, और जब भी बनेगा तो कांग्रेस का मिला जुला सरकार बनेगा। मई के महीने से जोर पकड़ रहा है, और ये आगामी नवम्बर दिसंबर तक राज्य घोषित हो जाएगा, ऐसा मैंने वहाँ पर बोला। तो वो प्रादेशिक समाचार भोपाल में आया, वो समाचार उस समय क्योंकि मध्य प्रदेश का सरकार था, तो वो बाद में मेरे जनता लोग कहे जो मेरे पास कार्यालय में आते थे, अरे पंडित जी आप विद्याचरण जी से क्या वार्ता कर रहे थे, तो मैं बोला बस ऐसे ही कुछ चर्चा परिचर्चा चल रहा था, तो मेरा एक भविष्यवाणी पूर्ण हुआ। अब उसके बाद उसी बीच में मैंने देखा कि अब यहाँ राज्य तो बन गया, कांग्रेस का मिला जुला सरकार बना, बाद में बीजेपी की सरकार आ गया, तो बीजेपी का जब सरकार आया, शासन आया, तो मैंने फिर अध्ययन किया कि अब ये राज्य बन रहा है, राजधानी भी नियुक्त हो गया है आग्नेय कोण में, पूर्व उत्तर कोने में, मैंने आग्नेय कोण के दिशा में राजधानी नियुक्त हुआ, तो अब यहाँ पर के जगहों का क्या महत्व होगा, क्या अस्तित्व होगा, किधर क्या विकसित होगा, कहाँ पर उसका पर्यटन आदि केंद्र बनेगा, क्या किस देवताओं का, किस देवियों का यहाँ पर ये होगा, क्योंकि एक जब राजा आता है तो वहाँ के कुल देवता कुल देव जाग जाते हैं। मैं मानता हूँ कि अति प्राचीन जो नगरी राजिन नामक नगरी है, मेरे पद्म पुराण के अध्ययन के हिसाब से वो प्राचीन नगरी जो है उसमें कहा गया कमल क्षेत्र उसको, तो ये सृष्टि का पहला धरोहर है, पहला धरती है राजिम, इसके बाद ही काशी और बनारस बना है। तो उसका एक वृतांत शॉर्टकट में बताता हूँ। शिव और विष्णु ने जब सृष्टि प्रारंभ हुआ तो नेत्र खोला तो वहाँ राजिम नामक धरती दिखाई दिया, और वहाँ से भगवान भोलेनाथ शिव जी जो थे महादेव थे, तो वो खोज रहे थे कि सृष्टि में कहाँ जनमानस का मान ये होगा, जनमानस उत्पन्न होंगे और
पहला माने सृष्टि धरोहर कौन सा होगा, तो शिव सती ने पार्वती के रूप में तप, सती के रूप में पार्वती तप कर रही थी शिव जी को पाने पाने के लिए, वहीं से सृष्टि प्रारंभ होता है। तो वो काशी नामक स्थान में वो काशी के फूलों से और वो रेती का बालू का पिंड बना करके उसका उपासना आराधना करती थी, तो वहाँ पर भगवान जो भोलेनाथ थे तो उनको सृष्टि प्रारंभ करना था, तो वो पार्वती के रूप में सती का विवाह हुआ, पार्वती माता के साथ उसका विवाह होने के बाद सृष्टि प्रारंभ हुआ काशी से, उससे भी प्राचीन नगरी, क्योंकि शिव विष्णु ने जब अपना नेत्र खोला तो उसको राजीव नामक धरती दिखाई दिया। ये सब किसमें उल्लेखित है, मतलब पद्म पुराण के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, पद्म पुराण ने इतना डीप नहीं डिटेल नहीं दिया है, लेकिन मैंने उसको कुछ अपने ढंग से भी शोध किया है। तो मैं एक बार बनारस गया तो वहाँ पता चला कि यहाँ शिव जी का मस्तिष्क है और विष्णु जी का माने आत्मा है हृदय। तो भगवान उसको बोले कि इस बात को पता चलने के बाद मैंने निष्कर्ष को और खोजा, तो वहां पर बोले कि ये जो काशी विश्वनाथ जी हैं उनका यहाँ मस्तिष्क है और विष्णु जी का आत्मा है, तो इसलिए इसको मोक्ष पीठ कहा गया है, बिना विष्णु के मोक्ष संभव नहीं है, है ना जी। जिसने सृष्टि को अंत करते हैं वही सृष्टि को प्रारंभ करते हैं और उसके बिना मोक्ष नहीं होता। आप देखिए रामायण दान नहीं करते, मृतक कर्म में गीता ही दान करते हैं, तो गीता भगवान नारायण का ही है, भगवान का नारायण के रूप में भागवत गीता है, ये सारा चीज भगवान पालनहार है इसलिए उसका वो है। तो भगवान भोलेनाथ वहां से सृष्टि प्रारंभ किया, जटा से पानी बहा और वो गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ, और जब गंगा जी वहां से बहते हुए आई तो गंगा को अहंकार था कि मैं किसके किसके पाप को धोऊंगी, तो उसने कहा भोलेनाथ जी ने कि वहां पर एक ऐसे भी प्राणी है उस मृत्यु लोक में जिसके चरण पड़ने मात्र से तुम पवित्र हो जाओगे, तुम अभी तक पवित्र नहीं हो लेकिन उनका चरण पड़ेगा तो आप पवित्र हो जाओगे। तो वो हमारा छत्तीसगढ़ प्रांत का राजीव नामक धरती है, है ना, तो उस राजीव नामक धरती में चरणोदक किए भगवान की और गंगा जी जो है, इसलिए यहाँ अस्थि विसर्जन का 25% पुण्य मिलता है, वहाँ 100% पुण्य मिलता है प्रयागराज में। तो हमारा छत्तीसगढ़ उससे भी प्राचीन नगरी है, सृष्टि का पहला ही धरोहर है जो ये अति प्राचीन नगरी, उसके बाद काशी का काशी बना है ना। हमारा ये प्रांत जो था स्टेट था वो मैंने पूरा वो बनने वाला था, काशी बनने वाला था, लेकिन वो तो ये था कि भोलेनाथ का विवाह वहीं तय था, तो बोले ठीक है जब आपका विवाह होगा आप जहाँ नगरी बसाओगे तो मैं यहीं से आत्मसात कर लूंगा, मैं तो थक गया हूँ अब अपने शेष सैया पर विश्राम करता हूँ, भगवान यहीं विश्राम करने लगे। तो छत्तीसगढ़ ही ऐसा नगरी है जहाँ विष्णु जी का वास है, जिसके कारण अन्न जल से पूरित और हरियाली का कारक धान का कटोरा और खनिज संपदा आदि से भरपूर हमारा छत्तीसगढ़ पाया जाता है, ये इसका एक प्रमाण है। तो उसको मैंने अपने ढंग से उस समय खोज किया कि किसका यहाँ महत्व बढ़ेगा, तो रमन सिंह का राज आया बीजेपी शासन का, तो उसमें पर वहां पर क्या हुआ कि उसने कुंभ का दर्जा दे दिया, साधुओं ने शंखनाद कर दिया, पूरे साधु संत आने लगे, लोग कहने लगे सुखा नाला को कैसे आपने, जो बाद में कांग्रेस के टाइम में पुन्नी मेला बन गया, पुन्नी मेला बन गया। तो इसको मेरा कहने का मतलब एक्चुअल में यहाँ त्रिवेणी संगम है, 25% पुण्य मिलता है, त्रिवेणी का संगम जो है प्रयागराज के बाद पहला त्रिवेणी संगम यही पर है, जिसके कारण अस्थि विसर्जन करने से 25% पुण्य मिलता है। यहाँ हमारे दिग्गज नेता विद्याचरण जी, श्यामाचरण जी का, मेरे स्वयं के गुरु नारायण दत्त माली जी का अस्थि का विसर्जन यहाँ हुआ है, और ये प्रमाणीकृत है कि यहाँ जो लोग वहाँ नहीं जा सकते, विश्व में जिस दूसरे भारत के जितने भी जनता है कहीं नहीं जा सकते, तो राजीव में अपना अस्थि विसर्जन करें तो उसका तारंतार होगा, और काशी में अस्थि विसर्जन करें तो 100% पुण्य होगा, इसका मैं पूरा प्रमाण अपने आंखों से देखा है। काशी से पढ़ा, मेरे माँ के मृतक होने के बाद मैं गंगा जी को साक्षात देखा और तरनतार हुआ, इसके लिए मैंने किताब बनाया, सुश्लेश्वरी व्रत कथा का विधान बनाया, और मेरे गुरु जी भी उसी समय स्वर्गवास हुए थे, उस समय से भगवान नारायण की कृपा बनी। तो मैं तो धार्मिक प्रवृत्ति का था, धार्मिक तो मेरे अंदर बसा ही हुआ था और ब्राह्मण भी था, तो इसलिए मैं सोचा क्यों ना अपने विषय को पढ़ा जाए, इसमें शोध किया जाए, नया नया कुछ काम किया जाए, जनता को लाभार्जन दिया जाए, इस उद्देश्य से तो ये सारी मेरी मनसा और मेरी मनोकामना जो है काशी जी के कृपा से पूर्ण हुई, भगवान नारायण की कृपा से पूर्ण हुई, मेरी माता की कृपा से पूर्ण हुई, मेरे गुरु जी डॉक्टर नारायण दत्त माली जी की कृपा से पूर्ण हुई। वो यंत्र मंत्र तंत्र के प्रणेता थे, मैं एक गुरु के खोज में भी लगा था, तो एक अच्छे गुरु को मैं खोजना चाहता था, मुझे अगर कोई आपत्ति विपत्ति हो तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरे गुरु मुझे संभाल सके, तो इसके लिए मैं सब ये क्रियाकलाप को जारी करते हुए अपना काम करता रहा। बाद मुझे 30 साल लगभग होने आ गया है, और अभी वर्तमान में मैं संस्कृत महाविद्यालय रायपुर में अतिथि प्राध्यापक के रूप में वहाँ पर मैं विभागाध्यक्ष हूँ, है ना, और ये भी मेरी एक इच्छा थी, मनसा थी कि मैं ज्योतिष पढ़ूँ, ज्योतिष पढ़ाऊँ और
एक अच्छा ज्योतिष का कार्य करूं, तो यही मेरा एक अनुभव है। और आए दिन तो जनता कोई हस्तरेखा भी मैं देखता हूँ, मस्तक रेखा भी देखता हूँ, चेहरा विज्ञान देखता हूँ, अंक से भी, न्यूमरोलॉजी से भी देखता हूँ, है ना। और कई लोगों का ये समस्या रहता है मेरे पास कुंडली नहीं महाराज, उनका भी अपन देख लेते हैं। कुंडली पर मेरा मेन अध्ययन है, मेरे विषय का जो जो विषय है ज्योतिष दशा विमर्शा, तो दशा विमर्शा एक क्लिष्ट विषय था जो 4 बार क्लास हो गया था, 5वीं बार मैंने। क्या क्या बताता है ये दशा विमर्शा? मतलब जो है दशा से दिशा निर्देशन। अच्छा, कोई व्यक्ति किस मनोदशा से आया है, वो क्या पूछना चाहता है, एक ज्योतिषी को पूर्व अज्ञान हो जाना चाहिए जो क्या पूछना चाहता है बगैर कुंडली देखे, बगैर कुंडली देखे, उसके बिना बिना बेस के। हाँ, और दूसरा चीज कुंडली देख के तो हो ही जाता है, कुंडली तो हमारा एक्स रे सोनोग्राफी है, तो उससे तो हो ही जाता है। आदमी क्या आखिर क्या सोच रहा है, क्या कहना चाहता है, इसके अंदर क्या समस्या है, तो वो दशा विमर्शा विषय को मैंने इसीलिए चुना था। तो इसको शोध करते करते मैं इसमें लगभग डिग्री आते 10 साल लग गए, 7 साल में मैं अपना शोध कार्य पूर्ण कर दिया था। 97 से मेरा रजिस्ट्रेशन था और 99 जनवरी में, और 2007 में मैं इसको पूर्ण करके जमा उमा कर दिया था, और 10 में मुझे जाके कुलपति नहीं होने का 10वें वार्ड हुआ। और डॉक्टर साहब ये बताएंगे कि जो ज्योतिष विज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र जो है, ये इंसान के जीवन में कैसे प्रभाव डालते हैं और इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं? ज्योतिष शास्त्र को देखिए, कहा गया है सर्वो शास्त्रों परि शिरोमणि शास्त्रम ज्योतिष शास्त्रम कथ्यते, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। तो सारे शास्त्र वेद प्रमुख है, वेद का एक उपांग है जो उपांग है, लेकिन ये छठा शास्त्र माना गया, छठा स्थान माना गया है, षड अंग होता है तो छठवा इसको नंबर में ज्योतिष शास्त्र को माना गया है ना। तो जैसे मुखम व्याकरणम है ना, श्रवणम साहित्यम है ना, ललाटम वेदम और नेत्रम ज्योतिषम, तो इस क्रम में कहा गया है, कल्पम शिक्षा शास्त्रम, ऐसा सब उसका एक प्रकार है। तो इसमें ज्योतिष शास्त्र को नेत्र का संज्ञा दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति का शरीर है और नेत्र नहीं है तो क्या अनुभव करेगा, क्या देखेगा, क्या बताएगा, इसलिए पारखी शास्त्र, परख करने वाला शास्त्र ज्योतिष शास्त्र को कहा गया है। इसको दिव्यम चक्षु भी कहा जाता है, इसको दिव्य चक्षु भी का संज्ञा दिया गया है। तो विज्ञान के जितने भी खोज हुए, विज्ञान को जितने भी लोगों ने, चाहे वो रसायन शास्त्र हो, चाहे चिकित्सा शास्त्र हो, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, वो पूरा शास्त्र इसके जन्म होने के बाद हुआ। कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं ज्योतिष नहीं मानता, वो 1 सेकंड 1 मिनट बिना ज्योतिष के खड़े नहीं हो सकता। कैसे, थोड़ा समझाइए, विस्तार से समझाइए। क्यों खड़ा नहीं हो सकता, इसका कारण मैं बताता हूँ। जैसे मनुष्य, आज कौन सा तिथि है, कितने सूर्य सुबह उग गया, शाम को डूब गया, ऋषियों ने यहीं से सर्च किया, एक लंब उन्होंने गड़ाया टूटे को, देखते हैं कि ये जो है पूर्व दिशा से उदय होता है तो इसका छाया इतना बनता है, मध्यान्ह में वो छोटा हो जाता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, प्रातः बड़ा रहता है, इस प्रकार से उन्होंने समय का आविष्कार किया। तो घड़ी हमारा दिन है, पहला आविष्कार जो था वैज्ञानिक का, वो घड़ी और समय ही था। अब आज देख रहे हैं कि क्या क्या आविष्कार विज्ञान के क्षेत्र में नहीं हुआ है। आप यहीं से बैठे बैठे विष्णु लोक से शिव लोक, शिव लोक से विष्णु लोक को आप ज्ञात कर ले रहे हैं। वो आज हमारी मोबाइल की परंपरा है, ओनसाट एक प्राप्त उपग्रह चित्र के अनुसार जलवायु जो है, मौसम, पानी यहाँ बरसेगा, तो ये सब तो अंतरिक्ष का वो है ना, रेडियो एक्टिव, रेडियो का जो वो होता था, आकाशवाणी हुआ, आकाशवाणी खोज हुआ, दूरदर्शन, दूर की चीजों को देखना, दूरदर्शन का खोज हुआ है ना। तो ये सब किसका देन है, ज्योतिष का ही तो देन है, ग्रह लॉजिक ही तो है। उपग्रह एक प्राप्त नहीं, उपग्रह प्राप्त 59 चित्र के अनुसार जो बोलते हैं, ऐसा कहना है साइंस में, तो उपग्रह छोड़ा गया, तो उपग्रह किसका है, ग्रह का ही तो उपग्रह है। तो ये सारा चीज, कोई भी चीज जब शरीर में कैसे प्रवेश करता है, तो अलग अलग ग्रह अलग अलग शरीर के हिसाब से उसको विन्यास किया गया, और शरीर में अलग अलग अंगों का अलग अलग ढंग से उसका वो हुआ, प्रभाव पड़ा। जैसे कहना चाहिए सूर्य जो है, उसको रोशनी का अपन तो गर्मी महसूस कर सकते हैं, चंद्रमा की शीतलता को जान सकते हैं, इसलिए शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बलवान जब होता है तो अति माने शीतलता आ जाती है, नमी का उसमें मात्रा बढ़ जाता है। तो पानी का कारक चंद्रमा है, प्रकाश और अग्नि का कारक माने सूर्य हुआ, मंगल को अग्नि का कारक माना गया है ना, और दूसरा चीज मंगल जो है रक्त कारक माना गया है। इस प्रकार से ग्रहों का विन्यास है, तो रक्त में काम करता है, मज्जा कारक माने कहा गया ग्रहों को, मज्जा में कैसे काम करता है, हड्डी में कैसे काम करता है कौन सा ग्रह, तो शनि हड्डी में जैसे काम करता है ना। अब उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा डीप में बताऊंगा, जनता जनता थोड़ा समझे है ना, जनता को ज्ञान होना चाहिए ज्योतिष शास्त्र कैसे काम करता है। फिर उसके बाद अब देखिए कि अब सूर्य और चंद्र भगवान के नेत्र हैं,
तो सूर्य चंद्रमा से नेत्र का उसको के बारे में जानते हैं, द्वादश द्वितीय भाव से उसको कुंडली के हिसाब से तो उसका नेत्र कमजोर है, कैसा है क्या है ना। तो इस प्रकार से शरीर में जो ग्रह है वो काम करता है, नस का कारक बने शनि है, नस में काम करता है ना। तो इस प्रकार से ग्रह जो है अपना पूर्ण रूप से वो जब काम करता है, और सूर्य और चंद्रमा को तो आप देख ले रहे हैं, अनुभव कर ले रहे हैं, लेकिन उसको कैसे काम करता है, तो इसी प्रकार से वो शरीर में प्रविष्ट होता है। और जब उसके किरण आते हैं, जब उसको शारीरिक रूप से मनुष्य के शरीर में एक ग्यार्व होता है, मनुष्य के ही नहीं बल्कि जीव जंतु, पेड़ पौधा, पशु पक्षी सारे ऊर्जा ग्रहों से व्याप्त है। तो जब तक के ये सृष्टि में खगोल रहेगा तब तक भूगोल रहेगा, भूगोल रहेगा तब तक खगोल रहेगा। खगोल का सीधा संबंध भूगोल से है, और भूगोल का सीधा संबंध खान पान से है। तो पंच तत्व है, पंच तत्व ग्रहों का ही लॉजिक है, पंच तत्व से औषधि होता है, पंच तत्व से औषधि का खोज ऋषियों ने कहा, ऋषियों ने किया। तो इस प्रकार से समय आदि से लेकर के पहले घड़ी का आविष्कार हुआ सर्वप्रथम। घड़ी का आविष्कार वैज्ञानिकों का पहला आविष्कार था, प्रकाश का आविष्कार हुआ, विद्युत का उत्पत्ति किया गया, विद्युत उत्पादन किया गया। मंगल जो है अग्नि कारक है, और चंद्रमा जल कारक है। तो जल से उत्पन्न जो ऊर्जा से अग्नि अग्नि उत्पन्न किया गया मंगल के साथ, तो वो जो कारक होता है, तो वो जो व्यक्ति जानकार होता है, तो उसमें प्रकाश का माने ऊर्जा के रूप में व्याप्त हुआ, प्रकाशी ग्रह माने बना और प्रकाशमान हुआ। तो इस प्रकार से सब ग्रहों का विन्यास है, चाहे वो रस वैज्ञानिक वैज्ञानिकीकरण रूप में हो, चाहे वो शारीरिक रूप में हो, शारीरिक विज्ञान पर हो। तो विज्ञान का जन्मदाता ही ज्योतिष शास्त्र है। पहले आप देखते हैं कि ज्योतिष में माने ज्योतिष का जैसे बाद माने गणित मैथमेटिक्स हुआ, आर्यभट्ट आदि, तो अभी आधुनिक आर्यभट्ट हुए, उसके पहले भी सूर्य ने ही प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान दिया था कि एक छाया के रूप में आकर के वो उसको उसका नाम है बारह महीन आदि को, कि उसने छाया पुरुष के रूप में ज्योतिष का उसको ज्ञान कराते थे सूर्यदेव। तो इस प्रकार से ज्ञान हुआ। जब सृष्टि का कल्पांत होता है, सृष्टि जब अंत हो जाता है, तो कल्पांत में जो सूर्यदेव हैं वो ही प्रत्यक्ष देवता उसको कहा गया है, वहां पर भी प्रत्यक्ष रहते हैं। जब ब्रह्मा मनवंतर में अभी तक के 14 ब्रह्मा 14 मनवंतर थे, उसमें मनवंतर में अभी तक के जो ब्रह्मा हैं उसको भी जब सृष्टि कल्पांत होता है तो पंच तत्व ही काम करता है। अग्नि अपने आप जलने लगता है, और फिर वो शरीर का दाह कर्म हो जाता है, फिर वो पानी में ऑटोमेटिक बह जाता है, तो पानी अशुद्ध हो जाता है। पानी जब अशुद्ध हो जाता है तो एक कोयला जैसे अभी आप देखेंगे, कोयले से कार्बन की पद्धति में पानी का शुद्धिकरण करने के लिए आज अपन उपयोग कर रहे हैं, तो कोयला ही उसको शुद्ध करता है पानी को। जब कल्पांत होता है तो आरओ सिस्टम में भी आरओ सिस्टम में कोयला कार्बन आ गया, हाँ, तो वो कार्बन जो है वो कोयला ही माने उस जल को शुद्ध कर देता है। फिर से सृष्टि प्रारंभ होता है, तो सृष्टि प्रारंभ होता है तो वहाँ गवाह भाई सृष्टि प्रारंभ हो गया कौन कहेगा, तो सूर्यदेव ही कहते हैं ब्रह्मा जी आपको ये सृष्टि को आपको चलाना है, सृष्टि प्रारंभ है। तो सूर्य देवता ही एक ऐसे प्रत्यक्ष देवता है जो मनवंतर में उस ब्रह्मा को भी ज्ञान कराते हैं कि सृष्टि प्रारंभ हुआ है, आपको संचालन करना है। और इस प्रकार से देवताओं का भी मैंने एक पल एक पग मैंने बिना ग्रह लॉजिक और बिना ज्योतिष चल ही नहीं सकता। तो देवताओं ने भी ग्रहों को ज्योतिष को माना है, तो मनुष्य को मानना पड़ेगा। जो हमारे दादा परदादा माने, हमारे देवता माने, हमारे पितर माने, तो उसको परंपरागत मानना पड़ेगा। और ज्योतिष में जब सारे चीज में फेल खा जाते हैं तो डॉक्टर लोग भी कहते हैं जाओ कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करो, अब आज के डॉक्टर नहीं कहते है ना। तो ये जो एक्सरा क्या है, एक्सरा दिव्य पुरुष का नेत्र है। पहले ऋषि कहते थे कि वो नेत्र से ऐसे देखते थे, नेत्र से देखने मात्र से उनको ज्ञान हो जाता था इसका यहाँ का हड्डी टूटा है, इसके शरीर में यहाँ पर तकलीफ है, इसके हार्ट में तकलीफ है। तो वो उसके बाद जो अथर्व वेद आदि का जो आविष्कार हुआ आयुर्वेद के रूप में, तो वो एक अथर्व वेद के रूप में निर्मित हुआ, जो ऋषि उनको खोजते थे तो इस जड़ी को कूट दो, यहाँ पर तकलीफ है इसको लेप कर दो, इसको लगा दो। इस प्रकार से आयुर्वेद का उत्पत्ति हुआ, और आयुर्वेद से फिर ये अपना वर्तमान मेडिकल साइंस का उत्पत्ति हुआ। शरीर में ग्रह कैसे विन्यास करते हैं मैं संक्षिप्त में तो बताई, ग्रहों का तो सब ग्रह अपने अपने ढंग से काम करते हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसमें क्या होता है कि हमारे शास्त्र में जातक परिजात करके एक ग्रंथ है, जिसमें ये बच्चा जो हो रहा है वो कुत्ते का है कि बिल्ली का है, पूछने आएगा तो प्रेक्षक को बताया जा सकता है कि जन्म ले रहा है कुत्ता का है कि बिल्ली का है, कि मनुष्य का। इतनी गहन अध्ययन के बाद व्यापक शास्त्र है शास्त्र ज्योतिष शास्त्र। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, जैसे कि आजकल लोग भौतिक सुख बहुत चाहते हैं, धन दौलत मकान राजयोग जैसे जो चीजें हैं वो भौतिक सुख से परिपूर्ण है, तो किस कुंडली किसी भी कुंडली में किस भाव को किस ग्रह को देखा जाए जो राजयोग आदि या जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं धन आदि के लिए जो विशेष कारक है। देखिये जब मनुष्य जन्म लेता है
तो उसका समय घड़ी सब निश्चित रहता है, उस समय में जन्म लेता है। भगवान कहते हैं भाई अपना शास्त्र जो है माने पूर्ण रूप से धर्म शास्त्र भी है, धर्म शास्त्र के अंतर्गत आता है। भगवान कहते हैं जब मैं किसी मनुष्य को जन्म लेता हूँ उसके पीछे एक रहस्य और एक कारण होता है। चोर भी मैं बनाता हूँ तो सिपाही भी मैं बनाता हूँ, और तमाम जनता का भगवान एक समय कहे कि कलिकाल जब समाप्त हुआ तो इसी आरंग का घटना है मुरद्धत ताम्रध्वज राजा का, कि वो कहते हैं कि एक परीक्षा लेने के लिए मुरद्धत ताम्रध्वज राजा के पास कृष्ण और अर्जुन दोनों पहुंचे साधु के वेश बना करके। तो कहते हैं मेरा सिंह तो बहुत ही भूखा है, मैं उसको भोजन चाहिए, मैं भोजन चाहिए और मेरे वो सिंह को संतुष्ट, आप क्या कर सकते हैं राजन? तो वो कहता है निश्चित तौर पर मैं प्रयास करूंगा, आपका सिंह अगर संतुष्ट हो जाए तो जो भोजन कहोगे मैं दूंगा। तो उसने कहा कि मुझे सिंह के लिए ऐसा भोजन चाहिए जिसके पुत्र को आरा से चीर करके कोई भी व्यक्ति दे या आप स्वयं दे तो आपकी आंख से आंसू नहीं निकलना चाहिए, तब तो मेरा सिंह संतुष्ट होगा। राजा कहता मैं बिल्कुल प्रयास करता हूँ। तो आरे से चीर के दे दिया, उसकी आंख से आंसू नहीं निकला। अब वो भोजन कर लिया तो पूछता है हे साधु महाराज बताओ आपका सिंह संतुष्ट हुआ कि नहीं, भोजन मिला कि नहीं? तो बोले भोजन तो मेरे सिंह संतुष्ट हो गया, लेकिन मैं तो हे राजन मैं आपसे यूं ही परीक्षा कर रहा था, आपकी आंख से वाकई आंसू नहीं निकला। तो राजा कहता है जाओ एक घोर कलयुग है, इसमें कोई ऐसा परीक्षा करने नहीं आ सकता, मैं तुमको श्राप देता हूँ, है ना? तो वो कहते हैं आपका पुत्र तो ना कहीं गया है, मैं तो यूं ही परीक्षा ऐसे कर रहा था, वो भोजन भी संतुष्ट हो गया। तो श्राप के कारण भगवान अपने विराट रूप को प्रकट कर दिए, यानी मैं ही नारायण हूँ, मैं ही भूत हूँ, मैं ही प्रेत हूँ, मैं ही पिशाच हूँ, मैं महादेव हूँ, मैं माता हूँ, मैं देवी हूँ, सारा चीज अपना प्रकट करके अपने रूप को दिखाए। और अर्जुन भी अपना उसमें रूप में आ गया, स्वयं अपने शरीर से अपने अर्जुन रूप में आ गया। तो अब उसमें देखते हैं कि राजन को श्राप हो गया, तो यहाँ पर भक्त बड़ा या भगवान? तो यहाँ पर भक्त बड़ा हो गया, भगवान छोटा हो गया। तो बोले सृष्टि कैसे चलेगा? तो बोले आप जानो आपका काम जाने, मैं तो आपको पहले कह दिया इस रूप में कोई परीक्षा करने नहीं आ सकता, मैं ही एक राजा हूँ जो आरे चीर के दे दिया, मेरे आंख से आंसू नहीं निकला, और आप कहते हैं मेरा सिर संतुष्ट हो गया, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है? तो उसका पुत्र जीवित होता है और कहते हैं कि इस सृष्टि को चलाने के लिए मैं महापुरुषों का उत्पत्ति करूंगा। आज जितने मान रहे हैं धर्म गुरुओं को मान रहे हैं लोग, कहते हैं विभिन्न विभिन्न धर्मों में अल्लाह अल्लाह खुदा जीसस क्राइस्ट, ये सब भी भगवान नारायण के ही एक स्वरूप हैं। इन्होंने सृष्टि को चलाने के लिए उस रूप में जन्म धरा। तो ये सारा वितान तो भागवत पुराण में आता है, हमारी शास्त्र में सारा चीज पहले से लिखा गया है, लिख दिया गया है कब क्या होगा। तब फिर उन्होंने कहा कि महापुरुषों के रूप में साधु संतों के रूप में वो तो आता ही रहूंगा, लेकिन मैं उस कलयुग में कली काल होगा तो वहां वैज्ञानिक साइंटिस्ट के रूप में भी मैं आऊंगा, जो मैं अप्रत्यक्ष रूप से आऊंगा लेकिन रूप उनका रहेगा। तो आप ये जो देख रहे हैं टीवी है, मोबाइल है, संचार है, सारा आकाशवाणी है, जैसे सत्यनारायण व्रत कथा में आकाशवाणी हुआ, तो वो आकाशवाणी से लेकर के घड़ी से समय से मिनट से इस प्रकार से विज्ञान की उत्पत्ति हो गया। अब आप और क्या कह रहे हैं उसको बताइए। वो मैं कह रहा था कि जो भौतिक सुख सुविधाएं के लिए आजकल ज्योतिष को लोग बहुत फॉलो करते हैं, वो जानना चाहते हैं, तो जैसे कि भौतिक सुख के लिए जैसे कि गाड़ी, धन दौलत, है ना, नाम, राज, जैसे किसी किसी कुंडली में राजयोग के क्या कारक लक्षण होते हैं और धन कमाने के क्या लक्षण होते हैं, वो हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए हमारे कुंडली में 12 राशि है, है ना, 27 नक्षत्र है, 9 ग्रह है। तो 9 ग्रह अपने अपने ढंग से अलग अलग ग्रह का अलग अलग संज्ञा है, अलग अलग ढंग के लिए धन के लिए कौन सा कारक ग्रह है, कौन सा नक्षत्र भी उसका राशि बनने से और किस राशि में बैठने से, किस भाव में बैठने से वो ग्रह बलिष्ठ होगा, निर्बल होगा, स्थान बलि होगा, चेष्टा बलि होगा, दिग बलि होगा, इतने प्रकार के बलवान बलियों को छांटते हुए अपन उसके एक राजयोग का जो गणना किया गया है। एक सरल जो लोग जनमानस में की बात बता रहा हूँ, जैसे गज केसरी योग कहते हैं, चंद्रमा से सम सप्तम या केंद्र भाव में या दशम भाव में अष्टम भाव में हो जाए तो उसको गज केसरी का मतलब है कि वाहन आदि से सुशोभित होते हुए मनुष्य जनमानस में प्रसिद्ध होता है, राशि ठाट बाट का उपभोग करता है, तो वो गज केसरी जैसे योग में इस प्रकार का एक प्रकार का वो राजयोग से भी उत्तम योग कहा गया है। और वो प्रायः प्रायः कुंडली में इस प्रकार का योग गज केसरी बहुधा कुंडली में देखने भी मिल जाता है। अब देखिए सूर्य बुध आदित्य योग है तो समायोजन का कार्य कराता है, तो वो भी एक राजयोग के प्रकार है। तो इस प्रकार से कुंडली में 12 भाव हैं और 12 राशि हैं, तो उसमें अलग अलग भावों में अलग अलग जगह में अलग अलग स्थान में बैठने से राजयोग उत्पन्न होता है। तो उस राजयोग के बनने से ही मनुष्य उस ग्रहों के युतियों से ही बनता है। ग्रह नीच का है चाहे ऊंच का है वो मतलब नहीं है,
किस भाव में कहाँ बैठता है, राजभंग योग भी बनता है, राजयोग भी बनता है, तो अलग अलग ग्रह के अलग अलग विराजमान में एक साथ युति होने से या उसमें दृष्टि होने से, तो इस प्रकार से राजयोग का उत्पत्ति होता है। राजयोग होने से सबसे बड़ा इसमें है, मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पहले उसका लग्न तैयार होता है। लग्न में शरीर भी सम्मिष्ट है, सारा शरीर सम्मिष्ट है ना, और मन बुद्धि सब उसमें सम्मिष्ट है, और जैसा लग्न होगा वैसा उसका मन होगा, वैसा उसका विचार होगा। जैसा राशि होगा, चंद्रमा मनसो चक्षु सूर्य हो जाता, तो चंद्रमा मन का कारक है, राशि होगा तो मन होगा, इसीलिए कुंडली मिलान करते हैं, राशि मिलान करते हैं, तो मन दोनों का मिले। मद भेद संभव है लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए, मतभेद हर आदमी संभव, लेकिन मन का भेद हुआ तो रिश्ता चलेगा नहीं, इसलिए मनसा मन के मिलान के लिए ही राशि मिलान करते हैं। अब उसके बाद जैसे राजयोग का हम बात कर रहे हैं, तो राजयोग का इस प्रकार से अनेक प्रकार के राजयोग हैं, अनफा योग, सुनफा योग, विभिन्न विभिन्न प्रकार के, तो ग्रहों के युतियों क्रम से बनता है, तो अलग अलग प्रकार के योग से अलग अलग प्रकार का मनुष्य का ये होता है। और राजयोग जो होता है तो सबसे पहले इसमें जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसका लग्न तैयार होता है, कुंडली में लग्न पहले तैयार होता है, उसके बाद चौथा शुभ भाव होता है, माता भाव होता है, जननी जन्मभूमि सर्वाधति ग्यारसी, जननी जन्मभूमि का कारक है, तो किस जन्म में किस स्थान में जन्म ले रहा है, चौथा स्थान है, चौथा से दसवां स्थान है, तो दसवां स्थान कर्म का स्थान है, तो कर्म में कौन सा ग्रह बैठा है, कर्म के साथ कौन सा अच्छा ग्रह बैठा है, कौन सा धन के लिए सबसे कारक ग्रह है, महत्वपूर्ण ग्रह कौन सा है। धन का देखो, शुक्र जो है वो लक्ष्मी कारक ग्रह है, और गुरु जो है वो ज्ञान सहित बने लक्ष्मी है ना, नारायण जो उसको लक्ष्मी उसको माना गया है, बृहस्पति को, और लक्ष्मी माने शुक्र को माना गया है ना, लक्ष्मी नारायण कहते हैं, तो लक्ष्मी नारायण से ही सृष्टि और धरोहर चल रहा है। बाकी ऐसे तो देवता हैं, देवों में महादेव हैं, लेकिन मनुष्य को खाने से लेके पीने से लेके पहनने से लेके तुम बिन वस्त्र न होए, तुम बिन कोई खान पान पाता, सब कुछ तुमसे आता, तो क्या है, लक्ष्मी नारायण ही एक चींटी को भी वो पालन कर रहे हैं, पेड़ पौधा का भी पालन कर रहे हैं, तो पालनहार भगवान है। तो मैं मनुष्य को कहता हूँ, राजयोग उसकी कुंडली में हो चाहे ना हो, लक्ष्मी नारायण का भक्ति यहाँ पर करना चाहिए। इसीलिए कहा गया, कली काल में किसी के पास समय नहीं रहेगा तो कहे कि सत्यनारायण का व्रत कथा करो। ये अत्यंत लघु रूप में एक यज्ञ के रूप में इसको माना जाता है, अत्यंत सूक्ष्म रूप में माने भगवान का यज्ञ है, लेकिन उसको भी आदमी नहीं करा पाता। हर कोई आज कलावती लीलावती का कहानी बन गया है, तो वो भी नहीं कर पाता, तो उसके लिए एक बढ़िया एक उपाय है, सरल उपाय है। तो उस उपाय में क्या निकाला गया, कि उस सरल उपाय में कि इन सब चीजों को खोजते हुए देखते हुए भगवान के यहाँ लोगों के यहाँ मैं सत्यनारायण व्रत कथा करने जाता था, और कुछ घटनाक्रम पर मेरे ऊपर एक ऐसा सम्यक ये आपत्ति विपत्ति आया जिसमें मेरे गुरु जी भी स्वर्ग सिधार गए, माता जी स्वर्ग सिधार गई, तो उसमें मुझे मैं अपने माता का दाह कर्म क्रिया आदि किया, तो सारे चीज को मैं एक मैंने टीवी के समान में उसको देखा करता था हर प्रक्रियाओं में, तो मुझे सब कुछ देव लोग ये सारा चीज मुझे दिखता था, तो उसमें मुझे नहीं मालूम था कि भगवान का मुझे ऐसे साक्षात्कार होगा। तो उस साक्षात्कार के उपरांत भी भगवान को मैंने बहुत करीब से और नित्य भी उनके साथ मैंने कभी भी इधर उधर विचरण चलते चलते कभी खाली बैठता हूँ तो भगवान से वार्तालाप के रूप में, गुरु जी से वार्तालाप के रूप में, अपने मानस पटल में उनको वो करता हूँ, आत्मसात करता हूँ, और उनसे कुछ वार्तालाप मैंने आत्मिक रूप से होते रहता है। तो उसी उपरांत एक समय में मुझे भगवान लक्ष्मी नारायण का ये हुआ, तो उनसे पूरा ज्ञान हुआ, और ज्ञान के रूप में मनुष्य कैसे आता है, मनुष्य जो ऊपर से देवलोक से और किस प्रकार उसको जाना होता है, तो विष्णु लोक से मनुष्य आता है, नर का नारायण होता है, नर की संज्ञा दिया गया, नर का सुक्रिया नारायण होता है, तो नर को कर्म करने के लिए भगवान भेजता है, जाओ मृत्यु लोक में जाओ तुम्हें एक अच्छा काम करना, चोर को भी कहता है जाओ तुम चोरी करना, अच्छा काम करना, चोर क्या अच्छा काम करेगा, चोर भी लूटता है तो अपने लिए नहीं लूटता, दूसरे के लिए लूट देता है, वो अच्छा काम हो गया, और खुद के लिए चोर लूटे तो महापाप काम हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, जो टोटके होते हैं किसी चीज को हासिल करने के लिए, किसी चीज से बचने के लिए, ये क्या कितने कारगर होते हैं ये टोटके? देखो टोटके जो है ग्रहों से ग्रह लॉजिक ही है, अलग अलग ग्रहों का अलग अलग टोटका होता है, लाल किताब के हिसाब से चीजें, तो लाल किताब देखिए मुगल कालीन माने किताब है, लाल किताब हमारे यहाँ का किताब जरूर है, ज्योतिषियों ने विद्वानों ने लिखा, जब मुगल काल का शासन आया तो ऋषि लोग देखे विद्वान लोग देखे ये हमारे ऊपर चढ़ाई करेंगे, हम तो बल से इनसे जीत ही नहीं पाएंगे, तो उन्होंने ज्ञान से उनको जीता, ज्ञान से जीता, तो उन लोग बोले कि राजा लोग ये हमारे लिए भी किताब लिखे, तो आर्ष पद्धति में उसका मैंने किताब का उत्पत्ति हुआ है ना, ऋषि और आर्ष पद्धति, तो आर्ष पद्धति के हिसाब से उसको आधुनिक रूप में बनाया गया,
तो उसमें कई किताबें जो हैं, जैसे जातक पारिजात है, चमत्कार चिंता चिंतामणि है, ऐसे सब कई शास्त्र, कई किताब बने। तो ऋषियों ने, विद्वानों ने वहां पर एक किताब को नए रूप से अनुसंधान करके उसके लिए किताब लिखा। तो वो जो किताब लिखा, तो उसमें एक लाल किताब भी है, तो उसमें टोटकों का बहुत सारा उपाय दिया है। तो टोटका का सीधा अभिप्राय है ग्रह, ग्रह लॉजिक है। ग्रह लॉजिक के हिसाब से टोटके किए जाते हैं, ये काम जैसे करते हैं। बृहस्पति को बलवान करना है। अब कोई विद्वान कह दिया गुरुवार को ऐसा करना, पीला कपड़ा रख लेना और उसमें थोड़ा माने मीठा रख लेना पीला, और जाके लक्ष्मी नारायण मंदिर में चढ़ा देना, ये भी एक टोटका हो गया। तो इसी प्रकार से रिसर्च करके जो बनाया गया ग्रहों के लॉजिक के हिसाब से एक टोटका शास्त्र कहना है। अभी मैंने सुना है, एक चीज आपको बताता हूँ। लोग कहते हैं कि एक कुंडली के बारे में इस बात चर्चा करता हूँ। कृष्णमूर्ति जो पद्धति है, कृष्णमूर्ति में फल बहुत सही घटता है, बहुत सही होता है ना। तो कृष्णमूर्ति मानता हूँ कि वो बहुत बारीक कैलकुलेशन है किसी ईपी के, चार्टी से कहते हैं। हाँ, जिसको उसमें एक नया सर्च उसमें भी हुआ है, तो उसमें भी का फल सही रहता है। लेकिन मैं देखा, जब तक के मंथन नहीं होगा ज्योतिष का बात, आप उसको सिस्टमेटिक ढंग से पूर्ण रूप से सोचेंगे नहीं, चाहे आप कोई भी पद्धति कर लीजिए, उसमें फलित सही नहीं होगा। गणित बना लेना, तो एक इंजीनियर भी बहुत हमसे अच्छा गणित बना सकता है ना। इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हमसे अच्छा गणित बना सकता है, हम भी उससे अच्छे गणित बना सकते हैं, लेकिन गणित तक के उसका सीमा नहीं है। फल जो निकाल ले, फल का मर्मज्ञ हो, फल के लिए यदि ज्योतिषी मेहनत ना करें, तो फलादेश सही नहीं होगा। फलादेश सही नहीं होगा तो आपका सारा चीज गलत, आपके पास जजमान नहीं आएंगे, आप सही नहीं बता पाओगे। तो आपके पास भाई क्यों आए हो, कैसे आए हो, ऐसा पूछोगे। डॉक्टर पहले नहीं पूछा करते थे, आज भी वही पूछते हैं, तो वैसे ही हम भी पूछें, तो उसको विश्वास क्या होगा और हमारा बताया हुआ उपाय क्या सही होगा। हम बीमारी ही नहीं पकड़ पाए तो हमारा इलाज क्या सही होगा। हम कैंसर को अल्सर कह दिए, अल्सर को कैंसर कह दिए, पहले हम तो बीमारी पकड़े ना। आप क्या सोच रहे हो, आर्थिक समस्या से हो, शारीरिक से हो, मानसिक से, उसको पकड़े तो मानसिक बीमार है आदमी, कि शारीरिक बीमार है, पहले तो बीमारी फिर उसका उपचार। फिर उपचार। तो ये पकड़ेगा तब ज्योतिष, जब उसका अध्ययन होगा फलित, तो उसका सही होगा, तब वो यजमान को विश्वास होगा, फिर बताओगे ये ग्रह के कारण ये तकलीफ से आप चल रहे हो, तो ग्रह का उपचार करिए। ग्रह का उपचार पहले करिए, फिर उसके तमाम उपचार हैं, फिर देवताओं का, उसके हिसाब से उसके देवता पकड़िए। जैसे केतु के लिए गणेश जी, राहु के लिए माता जी, इस प्रकार से देवता भी विभक्त हैं, तो उस देवता पकड़िए। देवता अपने ऊपर कोई चीज नहीं लेता, वो अपने लिए भी विपत्ति रहेगा तो ग्रह के ऊपर ढाल लेता है। इसलिए देवता चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, वो भी भोगते हैं। मैंने कर्म किया है, मुझे भोगना है। शनि आया, महादेव बोले मैं तो कैलाश पर्वत चले जाऊंगा, माता जी बोले जहाँ मेरा पति वहां मैं। लक्ष्मी को शनि पकड़ लिया, तो लक्ष्मी बोले कि अब क्या किया जाए, विष्णु जी के पास तो फल होगा नहीं, तो वो चले विष्णु महादेव पास। जब जा रहे थे शनि जी उसके पीछे पीछे, तो भगवान तो अपना जप तप में लगे थे, तो बोले कि आओ देवी, आप जहाँ जाते हैं वहाँ प्रसन्नता हो जाता है। तो उसको बुला लिए, चौखट के उस पार शनि था। अरे जाओ शनि देव, आप जहाँ भी रहते हो जाते हो तभी अच्छे लगते हैं। उसका वचन का पालन करके शनि वहीं से वापस हो गया, लक्ष्मी जी बच गई शनि प्रकोप। गणेश जी के पास जाते थे, गणेश जी हमेशा लिखते रहते थे, तो कहते थे अरे बाद में आना, मैं अभी लिख रहा हूँ। ऐसे कई बार बोले तो वह शनि उसके पास जाने बंद कर दिया। तो ऐसे देवताओं को भी उन्होंने घेरा है ग्रहों ने। तो मनुष्य तो नर का, नर तो नारायण का ही है, और नारायण क्या है, तो सारे देवता नारायण है, चाहे आधुनिक देवता हो, आज के देवता हो, कली काल के देवता हो, चाहे उस समय के देवता हो। देखिए वो देवता थे, ये जनमानस का जो लड़ाई चल रहा है उसको मैं खत्म कर रहा हूँ। कोई देवता छोटा बड़ा नहीं, देवता थे, जैसे ग्रह थे, कुछ ग्रह अभी निकल रहे हैं, कुछ नया अनुसंधान हो रहा है, तो ये भी थे, अल्लाह भी था वहां, ये उसको उसको भी रिसर्च किया गया, तो अल्लाह भी थे। अब अल्लाह कब हुआ, तो कृष्ण जी जब इल अल्लाह इल्ला ऐसा करके जब बोलते हैं, जब उसमें महाभारत काल में, तो वहीं से अल्लाह को उत्पत्ति हुआ। ये सब आपको भागवत में मिलेगा, मैं तो भागवत वक्ता नहीं हूँ, तो ये सर्च करता हूँ मैं, है ना। तो वहां पर से उसका उत्पत्ति हुआ, ये अश्वत्थामा या किसी का ये बताते हैं जो इसके वंशज हैं। तो वहां पर वो अल्लाह भी था उस समय में भी, लेकिन वो अल्लाह उगा नहीं था। जब समय आया अल्लाह उग गया, वही नारायण है जो एक रोटी चार हिस्सा भगवान ने कर दिया, चार धर्म हो गया, बाकी पंथ है। तो अब मनुष्य किसके लिए लड़ता है, किस लिए लड़ाई है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। पहले नर नारायण है, नर नारायण के बाद अल्लाह, ईश्वर, खुदा, राम, ईसा सब है। मैंने एक किताब लिखा है, उसमें इसका पूरा एक्सप्लेन कर दिया, इनके भी इसके ऊपर भी मैंने अपना एक किताब का नाम क्या है?
उसमें सुश्लेश्वरी व्रत कथा के नाम से एक मैंने किताब ये किया, और मैं तो आपको बताया भी कि बचपन से मैं धार्मिक था और ज्योतिष मुझे एक शौक का विषय था। कोई भटरी आता था देखने जाता था, कई उन लोग बोले वो भविष्यवाणी मेरे साथ अभी भी बीता है, मैं वैसा बना और मेरे एक विश्वास हुआ। उस समय से मैं बहुत जिज्ञासु था ज्योतिष का, तो उस प्रकार से मैं ज्योतिष में पढ़ने लिखने में लगा और 30 साल का समय कैसे कटा पता नहीं चला। 20 साल 22 साल की उम्र से लगा था, आज मैं 53 54 की उम्र हो रहा है मेरा। डॉक्टर साहब, चलते चलते अपन कुछ उपायों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर जैसे कि कोई विद्यार्थी है तो उसे ग्रह मजबूत, किस ग्रह को मजबूत करने के लिए कौन से प्रतिकार पर या उपाय पर ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए उन्हें? सभी बराबर है ना, सभी का अपना एक विशिष्ट महत्व है। किसी के लिए शनि कारक हो जाता है तो उसको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ले जाता है, राहु इंजीनियरिंग के लिए जाता है, मंगल है तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग बना देता है, मंगल है तो सर्जिकल सर्जरी बना देता है, उसको डॉक्टर बना देता है, सूर्य है तो उसको डॉक्टर बनाता है, स्वास्थ्य रक्षा कारक सूर्य है, और बुध है तो उसको बुद्धिजीवी बना देता है, लेखक का भी बना देता है, बुद्धि विधायक का वो बना देता है विशेष। तो इस प्रकार से उपाय तो सभी ग्रह के होते हैं और सभी ग्रह ही विद्या देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बृहस्पति का प्रमुख ग्रह है, बृहस्पति ही विद्या कारक ग्रह है, गुरु ज्ञान का कारक गुरु है ना। तो बृहस्पति जो गुरु ग्रह है वो ज्ञान का कारक है, तो वो ज्ञान के कारक गुरु ग्रह के कारक ही गुरु ही हुए। तो सृष्टि के पूरे देवलोक के गुरु जो है बृहस्पति देव है, उसको गुरु कह दिए। अब गुरु क्या है, देवताओं के भी गुरु है और मैंने ग्रहों का ग्रह गुरु है, और वो सभी देवता गुरु है, मनुष्य के भी वो गुरु गुरु है, और उसी गुरु संज्ञा से ही जो अभी अपन गुरु बनाते हैं। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। तो गुरु जो है तो गुरु ही तो देवता है, गुरु ही तो साक्षात ईश्वर है। गुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? मजबूत करने के लिए पीला आदि चीज का दान करें, और उसका जो देवता है जैसे ग्रह है उसको आप बलवान करने के लिए उससे पीला चीज का दान करें। पीला चीजों को ब्राह्मण का उसके कारक है तो ब्राह्मणों को भोजन आदि कराएं, ब्राह्मणों को दान करें, किताब दान करें, कोई द्रव्य आदि दान करें, कोई यज्ञ करें, कोई अनुष्ठान करें, कोई पूजा करें, या अपने इष्ट देव का ही पूजा करें तो उससे प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु का मंत्र इसीलिए कहा गया, गुरु को अगर भजेंगे तो इस लोक के लिए भी ज्ञान कराएगा, विद्या लोक में भी ज्ञान कराएगा, परलोक में भी ज्ञान कराएगा, वो तरंतर चलेगा। तो इसलिए गुरु सर्वोपरि है, और गुरु के साथ साथ में अब जैसे सूर्य प्रत्यक्ष है तो सफलता के लिए सूर्य का उपासना करें, विद्या सफलता हो चाहे पद प्रतिष्ठा सफलता हो, पद कारक ग्रह है। तो उपाय तो सभी ग्रह के होते हैं, और सभी ग्रह मैंने उसको कर्म भाव में, यदि मान लो कोई पूछने आता है जातक कि क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, या कभी नहीं पूछते तो आप डॉक्टरी लाइन का पढ़ो, आपको कर्म भाव में भी सूर्य विराजमान है तो उसका लग्न जो बनेगा कर्म भाव, जब सूर्य विराजमान है तो वहां पर देखिए कि कौन सा ऐसा लग्न बनेगा तो कर्म भाव उसका सूर्य विराजमान है। इधर 11 नंबर हो गया तो उधर 10 हुआ, फिर 9 हुआ, और फिर 9 के आगे 8 हुआ, तो 8 नंबर का वृश्चिक लग्न का कुंडली है। अब उसका विद्या भाव कौन सा बनेगा तो वृश्चिक लग्न का कुंडली है, अब उधर 8 9 10 11 और 12 नंबर का बृहस्पति विराजमान हो गया, तो विद्या में तो तारे का बृहस्पति उस भाव का अधिपति है। अब बृहस्पति कहाँ बैठा उसको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो स्वास्थ्य कारक ग्रह दशम में गया है तो कर्म से तो सलाहकार होगा, चिकित्सक आदि के क्षेत्र में जा सकता है, लेकिन अवधि कारक ग्रह जैसे बुध है तो बुध कहाँ विराजमान है, मंगल कहाँ विराजमान है, वो सर्जन बनेगा ऐसी सामान्य अवधि वाला डॉक्टर बनेगा, ये सब हम लोग देख के उसके साथ विद्या का परिकल्पना करते हैं और उसको बताते हैं। धन धन के लिए क्या उपाय कर सकते हैं अगर हमारे दर्शक जो चाहते हैं धन की? धन के लिए तो मैं बोला कि धन और ज्ञान है ना, तुम बिन यज्ञ न हो विद्या भी नहीं आता। सरस्वती संगत्य हो लक्ष्मी, तो सरस्वती भी तो लक्ष्मी से ही आता है, और लक्ष्मी सरस्वती से ही लक्ष्मी आता है। एक पिता, एक बच्चा पढ़ता नहीं है, उसको उसका पिता कहता है जाओ तुम नहीं पढ़ते, जाओ भाग जाओ यहाँ घर से, तुम मोटर मैकेनिक का काम करो, तो वो भी तो इंजीनियर है, वो उस टाइप से ज्ञान को मिस्त्री बन गया, उसका भी वो हुआ था लेकिन वो पढ़ता तो इंजीनियर बन जाता, कोई विद्या में उसका उस समय अड़ा आया रोड़ा आया आर्थिक समस्या कारण विद्या अर्जन नहीं कर पाया। तो लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए पहले सरस्वती को साधें, और उसके पहले भी गणेश को साधें। सरस्वती लक्ष्मी गणेश का संज्ञा दिया गया है। एकाद उपाय दर्शक जानना चाहते हैं। एकाद उपाय जैसे आप धन को प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछा उसी समझा रहा था, तो धन के लिए क्या है कि आप लक्ष्मी का आराधना उपासना करें शुक्रवार के दिन, इसलिए वैभव लक्ष्मी लोग करते हैं, लेकिन शुक्रवार जो है लक्ष्मी का विशेष दिन है, गुरुवार जो है विष्णु जी का, तो यदि नारायण ना रहे तो उल्लू में आएगी लक्ष्मी, उल्लू बना चले जाएगी, नारायण सहित लक्ष्मी जपें तो सबसे अच्छा तो उपाय वही है कि लक्ष्मी नारायण का पूजा करें और लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करें, लक्ष्मी नारायण मंदिर दर्शन करें, कमल आदि भगवान में चढ़ाएं, है ना, तो ये से उसे प्रसन्न हो जाएंगे विष्णु जी।
अब ये टोटके सोटके तो उसके बताए हुए एक सामान्य उपाय है, लेकिन जो उसका देवता है ग्राहक उसको पहले पकड़े। टोटका तो अनेक है, अब चंदन का दान करो पीला चंदन तो वही विष्णु जी का ही उपाय हो गया, तो उसी ग्रह से संबंधित टोटके हैं मैंने, है ना। अब काला काजल का दान कर दो, आँख में काजल आन के जाए करो, तुम्हारा शनि अच्छा हो जाएगा। काला कपड़ा मत पहनो उस दिन, शनि खराब है, शनि अच्छा है, शनि पसंद करना है, काला कपड़ा पहनो। और इसी प्रकार से उपाय बना है ना। तो चंदन रक्त चंदन दान करो, श्वेत चंदन दान मत करो। क्यों? रक्त चंदन तो मंगल को मजबूत करना है, लाल वस्त्र दान करो, ये भी एक टोटके में ही अच्छा आते हैं। अच्छा तो टोटके में कोई जड़ी भी टोटका आता है। अब जैसे किसी को बुद्ध को मजबूत करना है तो जड़ का नाम क्या है, अब जैसे सूर्य को ही मजबूत करना है तो बेल का जड़ी पहन लो, बेल को जड़ को पहन लो तो मजबूत हो जाएगा। तो इसको अब कहेंगे कि इसको मंदिर में ऐसा करना, लक्ष्मी नारायण मंदिर ले जाना, उसमें दान कर देना, सूर्य जी दिखाना उसको, बेल के जड़ी को पानी में ठंडा कर देना, भगवान सब कष्ट दूर करो। ये सब टोटका बन गया। टोटका कोई अलग थोड़ी है, ग्रहों का ही टोटका है, ग्रहलाजिक ही टोटका। अब वो वैज्ञानिक ही करण है, मनोवैज्ञानिक रूप से उपचार किया जाता है ज्योतिष शास्त्र में। अब तो वो जितने भी टोटके हैं, जितने भी उपाय हैं, है ना, तो वो सब उससे रिलेटेड है। अब कोई कहता है भाई कौवा मार लो, उसका जो वो नाखून होता है उसको ताबीज में भर के रख लो, या लाल कपड़े में लपेट के जेब में रखे रहो, तुम्हारा जेब कभी खाली नहीं होगा। तो कौवा क्या है? तो भाई ब्राह्मण जितने दूर चलता है उतना उसका जजमान होता है, उतना उसके पास पैसा आता है। कौवा जितने देर उड़ेगा, जहां जहां देशाटन करेगा, जहां बैठेगा, जहां खाएगा, तो उसका उतना पैसा जेब भर जाएगा, उतने लोग मिलेंगे, जनता मिलेंगे, धन का कारगर उपचार होगा। तो टोटके इसी प्रकार से बनाए गए हैं। टोटके कोई अलग नहीं, टोटके है ये। ग्रह लागर। और भाई रावण संहिता कहा गया है, तो रावण संहिता भी तो वही सब टोटके ही बताए हैं, है ना। इसको मार दो, उसको ये करना है, कुत्ता का माने वो पूछ का बाल ले आओ, बिल्ली के ले आओ, शत्रु बैरी हो जाएंगे। तो बैर का उसके हिसाब से मनोवैज्ञानिक उपाय है सब टोटके हैं, वो भी कारगर है। तो आप थे पंडित डॉक्टर संतोष तिवारी जी, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, जी रोड स्थित इनका निवास है, और बाकी डिस्क्रिप्शन में अखिल आपको इसकी जानकारी दे देगा। मैं हूं शुभम भटनागर, कैमरे के पीछे हैं हमारे अखिल वर्मा जो आपके प्यारे यूट्यूबर हैं। आप संतोष तिवारी जी से संपर्क कीजिए, उनसे जानकारी लीजिए, काफ़ी ज्योतिष के अच्छे विद्वान हैं, आपके लिए काम आएंगे। धन्यवाद।